इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो पसली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस कौन है वो बसली है वो जिसकी ठोकर का दूसरा नाम जिंदगी है वो बसली है। वो बसली है वो जिसकी ठोकर तो वो जिसकी ठोकर का दूसरा नाम जिंदगी है वो बसली है। शेर पढ़ता हूँ, अली तो अली, अली की औलाद कौन है। खिलौने लोगो कनो है जिनके खिलौने लोगो कनो है जिनके वो जिसकी औलाद चांद सूरज से खेलती है वो मस्ती है बशर का इदराक। खुदा का चेहरा है जो मजाजी खुदा का चेहरा है जो मजाजी खुदा का चेहरा वो जिसका चेहरा बतूल सजदों में देखते वो जिसका चेहरा बतूल सजदों में देखती है वो बसली है आप जिसकी ठोकर आप जिसकी ठोकर का दूसरा नाम जिंदगी वो बसली है। अपनी पसंद के कौन शेर पढ़ता हूँ, अब आइए लाए रबे को मां तो कर से मां और तुम अपने रब की कौन कौन सी अब वो नेमत जब बात आती है तो अक्सर टीवी के ऊपर ना वो जन्नत के मनाजिर दिखाए जाते हैं, दूध की नहरें, फल वल, ये अल्लाह इसका हिसाब तो लेगा नहीं। अब वो नेमत क्या है, मैं शेर पढ़ता हूँ, अली की आमद के सब के शेर सुनेगा। वो जिसकी ठोकर का दूसरा नाम जिंदगी वो बसली है वो नेमत कौन है। खोलेगा ये राज रोज मैशे वो कुल नेमत है सिर्फ हैदर वो कुल नेमत है सिर्फ हैदर हिसाब जिसकी विलाकत तौहीद मांगती है अली मिलेगा अली मिले।
अब अली जिसको चाहिए अली उसी को मिलता है, हालांकि मोहम्मद को भी चाहिए हो तो उसे काबे तक चल के आना पड़ता है। अली को इतनी कम कीमत शायद का नाम नहीं कि खुद आ जाए, अली को लेने रसूल भी क्यों ना उसको भी जाना पड़ता है। अली मिलेगा, अली मिलेगा आज के हवाले से, यही नहीं कि दरून काबा अली मिलेगा, अली मिलेगा कब कहाँ कैसे, हटे जो मेराज का ये पर्दा, अली मिलेगा, अली मिलेगा। शेर पढ़ दो, शेर सुनना, जिसको अली चाहिए वो मेरे साथ शेर होगा। कभी जो महराज का ये पर्दा अली मिलेगा, आज की शब्द का शेर बता रही है रजा की तेरा अली मिलेगा, बता रही है की तेरा अली मिलेगा। कौन सा, जमीन वालों से अर्श वाला अली मिलेगा, अली मिलेगा, अली मिलेगा, अली मिलेगा। अली मिलेगा, अभी जरा अमाना करेगा मेरे, अली मिलेगा, अली मिलेगा, अली मिलेगा, अली मिले।
करिए यार, अलाप मजा आएगा तो फिर करेगा, ऐसे नहीं है, बड़ी कीमती चीज है। अली मिलेगा, अली अली मिलेगा, अली अली मिलेगा, अली मिलेगा, इसके छुपाए लाख फजाए
कलम ही दिया
उसे ये खौफ था कि लिख न देना भी अली अली बोलना पड़ेगा। शेर पढ़ता हूँ आहिस्ते से आहिस्ते, और आपने मेरे साथ मजा लेना है, क्योंकि वो जगह भी ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ वही बोलेगा। फरिश्ते पूछता है क्या तू रब का, कभी रसूल का कभी इमाम का, फिर गदीर में न था सदा नहीं सुनी अली अली बोलना पड़ेगा, अली अली बोलना पड़ेगा, अली अली। एक कलाम और आप लोगों के लिए आज ही पढ़ देता हूँ। तो इसकी रदीफ है एक तरफ। अच्छा कलाम क्योंकि मौजूद मंदों का था, हो गया, मैं नए शेर है तो मैं आपके तरफ एक तरफ। अब आपने देखना है क्या क्या एक तरफ है। ये शोर आदराशियत सुनने वाले अजान एक तरफ देखेगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ज्यादा पढ़ू सरकार। ये अब आपके मिजाज के कलाम, तबीयत भी आमादा हो गई है अब आपके मिजाज को, आपने मेरे साथ आमादा एक तरफ। अब क्या क्या एक तरफ हुआ। अब एक तरफ देखिएगा हुआ क्या। इश्क ने कर दिया फैसला एक तरफ। अभी एक तरफ अगले मिसरे में जवाब तक नहीं बोला वो पड़ेगा। हुआ क्या, इश्क ने कर दिया फैसला एक तरफ, इश्क ने कर दिया फैसला एक तरफ। आसान सी अस्थाई है, आप भी मेरे साथ बोले। इश्क ने कर दिया फैसला, सुनाऊं क्या हुआ, सारे बोले इश्क ने। अब फैसला क्या हुआ जानी जा, दो जहां एक तरफ, दो जहां करबला। अली मौला, अली मौला जैसे समझ आया वो आदमी। कर दिया एक तरफ, इश्क ने कर दिया जहां एक तरफ। करबला, हुसैन का इख्तियार सुनो भाई जान, शाही शेर सुनिएगा। हुसैन का इख्तियार देखे, हुसैन कितना करीब है, एक तरफ। हुसैन ने कैसे किया, शाम वालों की तकदीर लिखते हुए, शाम वालों की तकदीर लिखते हुए, हुर को शबीर ने आपको पता है टिश्यू से पूछा जाए तो सुकून भी आता है, तौलिया मार दो तो बंदे वो हो जाता है। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे साथ सफर किया। इश्क ने कर दिया फैसला एक तरफ, आप ही मेरे साथ बोले। इश्क ने कर दिया फैसला एक
شیر پڑھوں سن لے حسین کا اختیار دیکھ بیٹے یہ راہب سے بولا خدا دیکھ بیٹے یہ راہب سے بولا خدا حل عطا ایک طرف حل عطا ایک طرف یہ عطا دیکھ کے بیٹھے یہ راہب سے بولا خدا حل عطا ایک طرف دیکھ کے بیٹھے یہ راہب سے بولا خدا حل عطا ایک طرف اب جو علی کو یہاں سے سنتا ہے اس کے لیے شیر جو آج علی نہیں سن سکتا پھر وہ کسی دن بھی علی نہیں سن سکتا تو میں شیر پڑھتا ہوں اور اس سے آسان آپ نے بہت ساری مراد سنی ہے الگ الگ انداز سے سنی ہے میں اس سے زیادہ آسان مراد نہیں پڑھ سکتا شیر نظر کرتا ہوں آپ جو آج علی نہیں سنے گا پھر وہ کبھی نہیں سنتا عشق نے کر دیا فیصلہ اس سے زیادہ آسان مراد نہیں ہے اور اس کے سوا کیا ہے میرا مصطفیٰ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف مرتضیٰ زامن پڑے گا نا دوسرا کیک بھی زامن ہی کاٹے چلو جی زامن لو نا سائی کہہ دے یار حسینی کرتا پہن کے تو بڑے لال سائی پر عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف عشق نے عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف اس نے کیا کیا کہ میں دانے ایک بے شیر نے مسکراتے ہوئے ایک بے شیر نے مسکراتے ہوئے روب نو لاکھ کا روب نو لاکھ کا کر دیا روب نو لاکھ کا واہ 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 واہ
शेर पढ़ो ऐसे नहीं, आवाज हम आता है टाइम भी 5 मिनट बाद हम सबने मिलकर केक काटना है तो जश्न का माहौल जरा जश्न वाला रहे। आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे लेकिन बोल रहे हैं आप सारे बोल रहे हैं, 2-3 मिनट रह गए। इश्क ने कर दिया सारे नहीं बोले मैं शेर नहीं पढ़ूंगा। इश्क ने कर दिया फैसला, एक और बार बोले इश्क ने कर दिया फैसला। ये अली असगर का इख्तियार था ना, छोटे बाबू लवाइज का, अब बड़े बाबू लवाइज का शेर सुना। मन का बत पड़े के मूसा ने अब्बा कर लिया नील में रास्ता। मनकबत पढ़ के मूसा ने अब्बास की कर लिया नील में, कर लिया नील में क्या कहें। पढ़ो शेर पढ़ो एक और। ये सिर्फ मेरे विलायती भाइयों के लिए, नहीं इसके लिए तो है सारे मेरे विलायती भाई भाई, लेकिन अब विलायती है ना तो फिर शेर पे बोलना भी है। हाँ ये विलायत ऐसे नहीं होती भाई, ये विलायत से होता क्या होता है। शेर नजर करता हूँ इस पर अदीब देखेगा। इश्क ने कर दिया से हुआ क्या फैसला और हुआ एक तरफ और वाला एक तरफ। आपके भाई के लिए शेर पढ़ता हूँ, शेर सुनिए आपके भाई शेर पढ़ता, शेर सुनिएगा उनकी तरफ से शेर पढ़ता हूँ। अच्छा एक तरफ आपने सारा देखा है कि कफन में खाक की शिफा जो है वो एक मखसूस जगह पे रखी जाती है, ऐसी है। अब वो क्यों रखी जाती है मैं शेर पढ़ता, शेर सुनिएगा। इश्क ने कर दिया क्यों रखी गई, क्यों रखी गई वहां पे, जवाब आया खुल्द वालों की खातिर तबर्रुक है ये, खुल्द वालों की खातिर तबर्रुक है ये, है कफन में जो खाके शिफा। अब ये तरतीब याद रखिए, हाथ एक तरफ यहाँ आता है और एक तरफ यहाँ आता है। अब जो हुसैन का मातम करता है उसके लिए ये हाथ जब यहाँ जाता है तो क्या लेकर आता है, शेर पढ़ता हूँ। इससे बड़ा शेर नहीं है आदमियों के लिए भाई, आप लोगों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। ये यूं जब
छुप जाता तो होता क्या? इश्क ने कर दिया जैसा बना दे। मैं कहा भाई जिसने बनाया आप उसको बोलो मौला से कहो मैं जैसा बना दूँ। अभी तो मौला ने बनाया। बाकी ये आप जीते रहो बस पढ़ते रहो आ जाओ और जरा सुना आगे आना। ड्यूटी मेरे हिस्से की तो बल्कि उस्ताद जी ने पढ़ दी है इससे मैं और क्या पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा एक एक मौला की शान में मौला अली की शान में तो पढ़ दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में। इस कलाम में मौला का इख्तियार है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या क्या कर सकते हैं उनका क्या इख्तियार है। एक बुलंदरी अल्लाह पहली बार मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ ये पढ़ रहा और मैं इसकी कंपेयरिंग कर रहा तकदीर का मारा मुझे शर्म
कि जब शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमे में सब असाब को इकट्ठा किया और अपने खैमे में सब असाब को इकट्ठा कर कर मौला अब्बास अलमदार से बोला कि अब्बास चिराग बुझाओ, तो जब चिराग बुझा तो क्या मंजर था ये सुनिएगा। ये मेरी माँ की नसीहत है और मुझ